हेलो स्टूडेंट वी स्टार्ट स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड्स मैथ्स चैप्टर नंबर फाइव फ्रैक्शन प्रीवियस क्लास में हमने टाइप ऑफ फ्रैक्शन पढ़े थे प्रॉपर फ्रैक्शन इम फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन आपने अच्छे से वीडियो वॉच किया होगा तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा आज हम पढ़ हैं कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शन कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शन दैट मीन्स कोई भी दो या दो मोर देन वन फ्रैक्शन को किस तरह हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप मैथड से कन्वर्ट करना है ओके फर्स्ट इज कंपेरिंग लाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन आपको दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनमिनेटर सेम होते हैं वो कौन से फ्रैक्शन कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शन अगेन रिपीट ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं वो कहलाते हैं हमारे लाइक like फ्रैक्शन अब हाउ टू कंपेयरिंग दैम ओके वैन टू फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर द वन विद द लार्जर नंबर इज ग्रेटर जब भी दो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम है तो जो लार्जर न्यूमरेटर है वो हमेशा ग्रेटर होगा जैसे सिंपल कंपेयरिंग करते हैं हम उसमें जो ग्रेटर नंबर रहता है वो ऑलवेज ग्रेटर रहता है सेम एज़ यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो जो लार्जर नंबर है वो हमेशा ग्रेटर होगा लाइक वन अपॉन एट फाइव अपॉन एट में ग्रेटर देन क्या है फाइव अपॉन एट मैं आपको एक एग्जांपल देके और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ वन अपॉन एट फाइव अपॉन एट दोनों के डिनोमिनेटर सेम है विच एवर इज ग्रेटर फाइव दैट मीन्स फाइव अपॉन एट फ्रैक्शन इज ग्रेटर सेम एज थ्री अपॉन टू सेवन अपॉन टू डिनोमिनेटर इज सेम विच एवर इज ग्रेटर सेवन दैट मीन्स सेवन अपॉन टू इज ग्रेटर फ्रैक्शन ओके कंपेयरिंग अनलाइ फ्रैक्शन जब अनलाइक फ्रैक्शन है अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर या जिनके न्यूमरेटर सेम होते हैं और डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं इनमें तीन कंडीशन अलग अलग आती हैं हम एक एक कंडीशन देखेंगे फर्स्ट वी कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर इनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं अनलाइक फ्रैक्शन के बट यहाँ पे कंडीशन है कि इनके न्यूमरेटर सेम है तो हाउ टू बी कंपेयरिंग ओके तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऑलवेज जो ग्रेटर नंबर है वो हमेशा स्मॉलर होगा अपोजिट जो ग्रेटर नंबर है लाइक वन अपॉन टू वन अपॉन सेवन ओके दोनों के न्यूमरेटर सेम हैं टू एंड सेवन विच एवर इज ग्रेटर सेवन तो यहाँ पे तो सेवन को ग्रेटर होना चाहिए ना नहीं पर ये अपोजिट होता है यहाँ टू वन अपॉन टू ग्रेटर होगा उल्टा हो जाता है जब न्यूमरेटर सेम है तो हम और एक एग्जांपल समझ लेंगे ये देखिए वन अपॉन थ्री वन अपॉन सेवन दोनों के न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर इज़ डिफरेंट अब देखिए थ्री एंड सेवन में विच एवर इज ग्रेटर सेवन बट यहाँ पे जो ग्रेटर फ्रैक्शन होगा वो होगा वन अपॉन थ्री मतलब जो स्मॉलर नंबर है डिनोमिनेटर का वो ग्रेटर फ्रैक्शन होगा थ्री अपॉन सेवन थ्री अपॉन एट सेम एज ओके कंपेयरिंग अनलाइ फ्रैक्शन विद डिफरेंट न्यूमरेटर ऐसे अनलाइक फ्रैक्शन को हमें कंपेयरिंग करना है जिनके न्यूमरेटर डिफरेंट हैं ना उनके डि न्यूमरेटर डिफरेंट हैं और ना उनके डिनमिनेटर सेम हैं ना उनके न्यूमरेटर हैं तो इसके लिए हमारे पास दो मैथड हैं बाय फाइंडिंग क्रॉस प्रोडक्ट मैथड एंड बाय कन्वर्टिंग इन टू इक्वल एंडफ्रैक्शन फर्स्ट यू अंडरस्टैंडिंग एंड क्रॉस प्रोडक्ट मैथड क्रॉस प्रोडक्ट मैथड इज अनलाइक फ्रैक्शन विद डिफरेंट न्यूमरेटर क्रॉस प्रोडक्ट दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड फर्स्ट न्यूमरेटर इंटू सेकेंड ऑफ डिनोमिनेटर फर्स्ट का न्यूमरेटर और सेकेंड का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे ओके देन सेकेंड न्यूमरेटर इंटू फर्स्ट डिनोमिनेटर और ये मैथड हम सिर्फ जब दो नंबर है या दो फ्रैक्शन है तभी ये कंपेयरिंग कर सकते हैं अदरवाइज हम ये मैथड यूज़ नहीं कर सकते ओके क्रॉस मल्टीप्लाई फाइव इंटू टेन सेवन इंटू नाइन ओके मल्टीप्लीकेशन करेंगे फाइव टेन ज फिफ्टी नाइन सेवन ज 63, ओके okay. 50, 63, whichever is एवर इज ग्रेटर कंपेयर करेंगे इसके नीचे जो ये वाले डिनोमिनेटर है वो लिखेंगे फाइव अपॉन सेवन नाइन अपॉन टेन विच एवर इज ग्रेटर नाइन अपॉन टेन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं सिंपल फर्स्ट न्यूमरेटर multiply second denominator comparing second numerator multiply first denominator ten fives 5's fifty nine sevens are sixty three which have compare 63. whichever is greater sixty three is greater you can write five upon seven. नाइन अपॉन्टेन दैट मीन्स नाइन अपॉन्टेन इज ग्रेटर और जैसे जैसे हम प्रॉब्लम करते जाएंगे आपके डाउट और अच्छे से क्लियर होते जाएंगे सेकेंड इज बाय कन्वर्टिंग इनटू इक्वल एंड ट्रैक्शन हमको इक्वल एंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इक्वल एंड में कन्वर्ट करने के लिए एट एंड ट्वेल्व को सेम डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे एट And twelve two fours are eight two six are twelve two two the four two three the six two ones are the three are three three ones are three two into two into two into three into one three to the six six to the twelve. ट्वेल्व टूजा ट्वेंटी फोर हमारा एल सी एम क्या आया ट्वेंटी फोर अच्छे से ये मेथड देखिएगा और आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगी फर्स्ट वी फाइंड आउट द एल सी एम ओके वी कन्वर्ट बोथ फ्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर ट्वेंटी फोर हम दोनों के डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे ट्वेंटी फोर इस तरह से लिख दीजिए आपको बहुत इजी जाता है अब आप देखिए एट के टेबल में ट्वेंटी फोर कब आता है एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर और ट्वेल्व के टेबल में ट्वेंटी फोर कब आता है टू ज़ा सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन फाइव टू ज़ा टेन ओके ट्वेंटी वन अपॉन ट्वेंटी फोर यू कैन राइट हियर ट्वेंटी वन अपॉन ट्वेंटी फोर टेन अपॉन ट्वेंटी फोर दोनों के डिनमिनेटर सेम है विच एवर इज ग्रेटर ट्वेंटी वन ओके ट्वेंटी वन किससे आया आपका सेवन अपॉन एट ग्रेटर देन फाइव अपॉन ट्वेल्व ओके आपको ये मैथड अच्छे से समझ में आई होगी और हम एक्सरसाइज के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा First is state whether the fraction is less than, equal to, or more than one. First five five one's are equal to one. Six and seven less than one. Okay. Nine by four. ग्रेटर दैन वन थ्री बाई थ्री इक्वल वन सेकेंड क्वेश्चन इज इन सर्ट ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन टू मेक ईच स्टेटमेंट ट्रू इफ द डिनोमिनेटर इज सेम दोनों के डिनोमिनेटर सेम है विच एवर इज ग्रेटर ऑलवेज ग्रेटर नंबर इज ग्रेटर दैन मीन पुट्स द साइन ओके

सिक्सटी सेवन सेवेंटी थ्री सेवेंटी थ्री इज ग्रेटर एटी, वन हंड्रेड वन एटी इज ग्रेटर ओके अब आपको देखिए यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं हैं और आपको सिर्फ दो ही नंबर को कंपेयर करना है यू कैन यूज इज़ीली कंपेयरिंग मेथड, ओके फर्स्ट Numerator, second denominator. Second numerator into denominator. 9 to the 18, 4, 5 the 20. Whichever is greater? 20. You can write here 2 upon 9, 4 upon 9. Whichever is greater? 4 upon 9. You can write here 4 upon 9 is greater. Same method. 4 into 10. 5 7 into 5. 40 35. 4 upon 5. 7 upon 10. Whichever is greater, 4 upon 5. Put sign here greater than. Okay. 5 into sixteen, eight into 9 16 5's are 80 and eight nines are 72 whichever is greater 80 5 upon 8 9 upon 16 okay h sorry l

5 into 8, 36, 40, 3 upon 8, 5 upon 12, whichever is greater, 5 upon 12, 4 into 21, 12 into 7, 84, 84, that means both are equal, you can sign, put both are equal. Next forty one into two, two into forty one, twenty four into seven, two eighty two, one sixty eight, whichever is greater, two upon seven, twenty four upon forty one. Whichever is greater, 24 upon 41. 10 into 4, 1 into 36. 40, 36. 10 upon 36, 1 upon 4. Whichever is greater, 10 upon 36. Okay. Order the fraction. लीस्ट इंटू ग्रेट आपको लीस्ट टू ग्रेट करना है इस्मॉलर टू ग्रेटर अब आप देखिए ये तीनों के डिनिनेटर सेम नहीं हैं तो फर्स्ट वी फाइंड आउट द एल सी एम ओके फाइव टू एंड टेन टू फाइव टू वन जो टू टू फाइव ज़ा टेन फाइव वन जो फाइव फाइव वन जार फाइव एल सी एम है यहाँ आपका टू इं टू फाइव इक्वल टेन ओके okay? अब हम इन तीनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे टू अपॉन फाइव इक्वल टेन इंटू टू इंटू टू फोर अपॉन टेन ओके नेक्स्ट वन अपॉन टू इंटू फाइव अपॉन फाइव इक्वल फाइव अपॉन टेन थ्री अपॉन टेन इंटू वन इंटू वन इक्वल थ्री अपॉन टेन अब कंपेयर करिए आप सबसे स्मॉलर नंबर है थ्री अपॉन टेन फर्स्ट थ्री अपॉन टेन सेकेंड फोर अपॉन टेन टू अपॉन फाइव थर्ड फाइव अपॉन टेन लास्ट नंबर इज वन अपॉन टू ओके

फ़ाइव टू ज़ा टेन टू ज़ा ट्वेंटी थ्री अपॉन फोर थ्री अपॉन फाइव एंड सेवन अपॉन टेन तीनों के डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे ट्वेंटी ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फोर फाइव ज ट्वेंटी थ्री फाइव ज़ फिफ्टीन फोर 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 थ्री ज़ार ट्वेल्व टू ज़ा टू ज़ा सेवन टू ज़ा फोर्टीन फिर से कंपेयर करेंगे अब ट्वेल्व दैट मीन्स थ्री अपॉइंट फाइव नेक्स्ट फोरटीन सेवन अपॉइंट टेन थर्ड फिफ्टीन थ्री अपॉइंट फोर ओके ये मिक्स फ्रैक्शन है इनको फर्स्ट हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में तो फर्स्ट टू इज टू वन अपॉन फाइव फाइव टू ज़ा टेन इलेवन अपॉन फाइव ओके नेक्स्ट वन इज टू वन अपॉन एटीन एटीन वन ज़ा एटीन प्लस नाइनटीन अपॉन एटीन अपॉन एटीन एटीन वजीन नाइनटीन अपॉन एटीन वन एज टू वन अपॉन नाइन नाइन वजा नाइन एंड टेन अपॉन नाइन ओके अब आपका है इलेवन अपॉन फाइव नाइनटीन अपॉन एटीन टेन अपॉन नाइन एलसीएम निकालेंगे फाइव एटीन एंड नाइन टू नाइन ज़ा एटीन नाइन फाइव वन ज़ा फाइव नाइन 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 वन जन नाइन टू जू ज़ा टेन एंड नाइन ओके इनके एलसीएम बनाएंगे Eleven upon five equal ninety. Nineteen upon eighteen equal 90 and ten upon nine equal ninety. Okay, eighteen fives are nineteen. Eighteen into eleven. One ninety-eight, eighteen fives are ninety, nine fives are forty-five, four ninety-five, nine tens are okay. Whichever is smaller, ninety-five. That means nineteen upon eighteen. Next, hundred ten upon nine, and third. इलेवन अपॉन फाइव ओके शशि एंड रोहित बो टूक दशि क्वेश्चन करेक्टली एंड रोहित करेक्टली हुए शशि आंसर फाइव अपॉइन्ट सिक्स रोहित आंसर सिक्स अपॉइन्ट सेवन दो को कंपेयर करना हम इजीली कर सकते हैं 5 upon 7, 6 into 6. 7 5s are 35, 6 is are 36. Whichever is greater, 6 upon 7. That means Rohit is... Okay. Next, the table shows the fraction of the world's total corn each country produce. List the country in order from the country. That produce the most corn to the country that produce the least corn. World's corn production: United States, China, and Brazil. 41 upon 100, 1 upon 5, and 1 upon 20. United States: 41 upon 100, China: 1 upon 10, uh, 5, sorry, Brazil: 1 upon 20. First, we find out the LCM: 100. फाइव एंड ट्वेंटी ओके डायरेक्ट फाइव टू जॉ टेन जीरो फाइव वन जो फाइव फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी वन वन फाइव इंटू फाइव इंटू फोर इंटू वन हंड्रेड ओके अब तीनों डिनोमिनेटर को हमको हंड्रेड बनाना है ये तो ऑलरेडी हंड्रेड है इंटू वन इंटू वन फोर्टी वन अपॉन हंड्रेड 1 upon 5 equal 100 into 20 into 20 1 upon 20 into 5 5, 5 upon 100 whichever is greater 41 upon 100 that means